नमस्कार दोस्तों, मैं प्रबल प्रताप सहगल, ऑनर ऑफ सहगल इंस्टीट्यूट। आज मैं एक मिडॉल्स लेके आया जिसका नाम है यूजेस ऑफ मस्ट हैव। देखो तुसी स्कूल दे विच कैन कुड वुड शुड कीते होने, जिवें तुसी देख रहे हो साडी सीरीज, ओह भी साडी चल रही है, पर शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, ये बहुत घट है जो टीचर स्कूल दे विच करवाउंदे हैं। तो चलो आप अगे वधदे हां। तो अज आपां कर रहे हैं यूजेस ऑफ मस्ट हैव, यानी मस्ट हैव दी वरतों। ठीक है जी, हुण आपां नूं किवें पता चले कि इत्थे यूजेस ऑफ मस्ट हैव ही लगूगा। सब तो पहली चीज इहदी इक पहचान हुंदी है, ओह पहचान इह है कि पंजाबी दे अंत च आउणा चाहीदा जिवें पक्का गए होणगे, पक्का मिली होएगी, पक्का कुटिया होएगा, पक्का कुछ किया होएगा, पक्का ओह इत्थे आए होणगे। थोड़ा समझना इहनूं ध्यान नाल। इह ज्यादातर 99.9 शक ते संदेह नाल चलदा। 1% जो उस शक को आप क्लीयर कर लें तो अपने एक सोच होंगी है कि देख मैं तेन पहला कहा ना कि वह पक्का उत्थे गए हो, उस दिन वह नहीं मने, अज देख मन गए। हूँ थोड़ा इसकी एग्जाम्पल समझना। मान लो कि कोई बंदा इदा है कि जो आप जिसनों दोस्ती मना किया भी तू वो घर नहीं जाना, वह अपन तो मूँह से कह गया पर फिर भी वह पिछों जाता रहा, तो आप शक है तो आपको पूछा कि तू वो घर गया, वह नहीं मनता, तो आपस च दोस्त गल करते हैं यार अजे झूठ बोल रहे, पक्का उसके घर गया होगा, यह साडा एक डाउट है। दो चार दिन बाद कोई होर मिलता, वह दसदा कि हाँ ये उसके घर गया है, मैं देखिया, तो अपना जो डाउट से बिल्कुल सच्चाई च बदल जाता है। सो यही चीज़ है कि 99.9 ये शक तो संदेह नाल चलता, शॉर्ट ही नहीं होंगी, पर जदों तुसी 1% शॉर्ट कर लेने हो कि कई बार आप गल करते हैं देख मैं तेन जिम्मे कहा उदो ये नहीं मनता सी, अज देख मन गया, तो वह शॉर्ट ही 1% बदल जाती है। मीनस कोई यह जहाँ काम जिमें आप किसी की इनवॉल्वमेंट देख लें, आप कह दें कि यार बंदा शरारती जरूर है तो पक्का इन्हें कुछ किया होएगा, तो वो अपना एक डाउट है, पर जो वो चीज़ क्लीयर हो जाती है तो कोई कहना हाँ जी पहले इन्हें कुछ किया, तो आप क्लीयर हो जाने उत्थे कि जो अपना शक होंगे 1% शॉर्टेज बदल जाता है। तो इदा ही आप अगे वधदे हैं। जिवें कि मैं तुहानू दस्सिया सी बहुवचन होवे एक वचन, प्लूरल्स होवे या सिंगुलर होवे, दोहां दे नाल यूज होगा यूजेस ऑफ मस्ट हैव दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म। इत्थे ध्यान देना, इत्थे वर्ब दी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, और इहदे नाल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की होंदा है, जो एक इंसान जिस चीज़ बारे भी गल करता उसनूं ऑब्जेक्ट कहिंदे आ। तो आप अगे फॉर्मूला तैयार किया कि सब तो पहला यूज करो सबजैक्ट्स, सबजैक्ट्स आगे आई वी यू दे, ही शी इट और नेम दे नाल मस्ट हैव, थर्ड फॉर्म दे नाल ऑब्जेक्ट। एक गल मैं जरूर कहना होना कि जब तक जूंदे हो जब तक ही इस दे फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि इसकी जो ये पहचान होएगी कि एग्जाम्पल के तौर पर एक थोड़ा उदाहरण दिना छोटी जी। मन लो कि मैं जो घर आया, मेरा बेटा है जिसका नाम नूर है, उसने एक फ्लावर पॉट तोड़ता, मैं जो घर आना मैं पता भी वो शरारती है, तो मेरा एक शक है कि पक्का इसने तोड़िया होएगा, ये जो पॉट है पक्का नूर ने तोड़िया होएगा। मैं अपनी मम्मी को पूछता, वो कहते नहीं बिल्ली तोड़गी, एग्जाम्पल है, पर मैनू एक शक है कि नहीं यार बिल्ली तो मेरे घर आ नहीं सकती, हर जगह लॉक है, पर यह पक्का मेरे बेटे ने तोड़िया होएगा। दो चार दिन बाद जो मामला ठंडा पैंदा है तो उदो मेरे परिवार दस दिंदा हाँ यह इसे ने तोड़िया, तो यानी मेरा शक जरा बिल्कुल सही सी उस टाइम शॉर्टी च बदल जाता है, उस चीज़ के प्रयोग लिए यूज किया जाता है यूजेस ऑफ मस्ट हैव। तो आप एक उदाहरण बनाने जिमें कि दे मस्ट हैव gone there। हुण इत्थे इक सानूं शक है कि कोई दोस्त है मित्र है जो पक्का उत्थे गए होवणगे। याद रखना जो मस्ट है ये गागे गी नूं रिप्रजेंट कर रहा हैव दे नाल, जिहड़ी थर्ड फॉर्म है वह कन्फर्मेशन देंदी है कि यह कम होया होएगा। तो आपां इत्थे यूज किया कि दे मस्ट हैव gone there, तो दे सबजैक्ट का पार्ट आ गया। यूजेस ऑफ आपां इत्थे यूज किया मस्ट हैव, दे नाल आपां यूज की है थर्ड फॉर्म गॉन, और देयर आ गया अपने कोल ऑब्जेक्ट। ऐदा ही योर फादर मस्ट हैव स्कॉल्डेड टू यू, योर फादर मस्ट हैव स्कॉल्डेड टू यू। कोई बच्चा इदा है जो क्लास के विच है, या दोस्त है थोड़ा, क्लासमेट है, वो आज वो थोड़ा सैड है, आपां नूं पता है कि इहदे डैडी है जिहड़े बहुत कंसर्न रहिंदे इहदी पढ़ाई नूं लैके, तो अपने एक डाउट है कि यह जिहड़ा अज इहदे पापा ने इसनूं पक्का झिड़किया या डांट फटकार कीती होवेगी। हुण वह बच्चा नहीं मनदा या आपां नूं नहीं दसदा, पर दो चार दिन बाद उहदी मदर मिलदी है, वह आपां नूं दसदी है कि बेटा इसनूं कहो कि पढ़िया करे, कल परसों इहदे प्यो ने इसनूं बहुत डांट फटकार कीती है। तो अपना दो दिन पहले एक शक सी कि इहदे पापा ने पक्का इसनूं डांटिया होवेगा, तो उसदे विच आपां ने स्कॉल्ड वर्ड का प्रयोग किया। स्कॉल्डड का मतलब होंदा है डांट फटकार करना। अगे बढ़ते हैं, ही और शी कोई भी आप ले लें, शी
मस्ट हैव टीज्ड टू राम। अब भाई का नाम ले लेता है कि शी मस्ट टीज्ड टू राम, उसने पक्का राम नु खजाया या चिड़ाया होवेगा। कई बार अपने क्लास के दोस्त मित्र होंगे हैं, आप एक दूजे दी लत्तां खिंचते रहने हैं, उस चीज को देखते हुए आप एक डाउट है कि यार मोस्टली ज्यादातर राम शाम के नाल खेडते हैं तो उन्होंने इन खिजाया होगा, अपना एक डाउट है। रीजन कोई भी होर हो सकता है, पर जो आपने पूछा तो किसी ने दसा कि दोपहरे कि गल्ला कर रहे थे, उस तो बाद आपस लड़ पे तो एक दूजे को खिजाने लग गए, तो अपना शक बिल्कुल उस सही हो जाता है। तो उस चीज के लिए मैं जिम्मे दसा कि 99% डाउट लिए चलता है, ये 20 साल बाद भी निकल सकता है। एग्जाम्पल मैं स्कूल पढ़ रहा, मेरे दोस्तों ने मेरी शिकायत लगा दी पर मैनू ही नहीं पता किने लगाई। हुण असी बड़े हो गए, बच्चों वाले हो गए, विआह हो गया, सब कुछ हो गया, कितने 20 साल बाद कट्ठे बैठे पुरानियां गल्लां छेड़ लिया, और जो छेड़ियां तो असी आपस गल की भाई किने मेरी शिकायत लगाई सी, तो उन्होंने एक मन गया कि मैं लगाई सी, तो यानी 20 साल पहला जो मेरा शक से वो अज क्लीयर हो गया। मैं उस टाइम शक से कि होर कोई नहीं शिकायत लगा सकता, इन्हों चो किसी ने मेरी शिकायत लगाई होगी, उस चीज़ को क्लीयर करता यूजिज ऑफ मस्ट हैव। इदा ही आप एक नाम होर लै लें, जिमें राम मस्ट हैव गिवन द टेस्ट, राम ने पक्का टेस्ट दिता होगा। कई बार आप दोस्त कट्ठे होंगे और आपस च सलाह करते हैं कि इंटरव्यू टेस्ट कोई भी कट्ठे देवांगे, पर उन्होंने चो कोई बंदा टेस्ट दे आता है। हुण अज जो उसनू क्या राम नू कि तू टेस्ट देना है, वह कहता नहीं यार मेरा मन नहीं है मैं नहीं जाता। पर सानू ए सी कि 2 दिन पहले तो बहुत ज्यादा उतावला सी टेस्ट देने लई, पर साडा एक शक है कि राम ने पक्का टेस्ट दिता होगा। अज वो नहीं मान रहा, 2-4 दिन बाद किसी तरह सानू भड़क लग जाती है, पता लग जाता है, तो जिहड़ा साडा डाउट है वह शॉर्टेज बदल जाता है। इस करके इसनों 99.9 तुसी हमेशा याद रखना है, एक डाउट ली ही चलता है, कन्फर्मेशन कुछ नहीं होंगी इस देविच। जो उस बदल जाता है, जिस आप कहने कि शक से हूँ बिल्कुल मैं सही बोल रहा है कि नहीं किया हो गया, जो प्रूफ हो जाता है तो उत्तर मस्ट हैव रिप्रजेंट हो जाता है। वापिस एक बार समझा, यूजिज ऑफ मस्ट हैव, मस्ट हैव की वरतों 99% डाउट और शक संदेह लिए चलता है, जो शक शॉर्टेज बदल जाता तो 1% उत्तर सच आ जाता है। पहचान यदि यह है कि पंजाबी दे अंत दे विच आना चाहिए, पक्का आए होणगे, पक्का गए होणगे, पक्का कुछ किया होएगा, कुछ कुटिया होएगा, पक्का कुछ पहला बोलिया होएगा। बहुवचन होवे, एक वचन, प्लूरल्स होवे, सिंगुलर होवे, दोहां दे नाल यूजिज ऑफ मस्ट हैव का प्रयोग होंदा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दे नाल ऑब्जेक्ट, ये अपने कोल आ गया फॉर्मूला, तो नीचे मैं दे दित्तियां उदाहरण, ठीक है जी। तो इसनों नैगेटिव और क्वेश्चन लिए भी यूज किया जाता है, वह भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करदा। पहला तुम इसको राइट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक से। हाँ, मेरी वीडियो ये वड्डी जरूर हो रही है, पर यह वादा करता कि यह बहुत डीपली थोड़ा समझा रहा और समझ भी आएगा। प्लीज राइट दैट। ओके, आप अगे बढ़ते हैं जी। जिमें कि जिमें आप इतने लिखते हैं, दे मस्ट हैव कम हेयर, ਉਹ ਪੱਕਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਯੂਜ਼ਿਸ ਆਫ ਮਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੇ ਮਸਟ ਨਾਟ ਹੈਵ, याद रखना इतने बच्चा गलती करता है, मस्ट हैव नॉट करता है। जो मैं बहुत बारी कहा कि जो भी डबल मिडोल्स होंगे उस सेंटर चाहता है, जो तो कदम तुम लाइव क्लास अटेंड करोगे मेरे, मैं सारा कुछ क्लीयर कर दाँगा। दे मस्ट नॉट हैव कम हेयर, वह पक्का इतने नहीं आए होणगे। खुद क्वेश्चन आता है कि वह पक्का इतने आए होणगे, एक डाउट है, तो उस दे विच आपां मस्ट बाहर ले आउने आ, सबजैक्ट अंदर चला जाता है, हैव बाद दे विच आउंदा है। मस्ट दे हैव कम हेयर, कि वह इतने पक्का आए होणगे, क्वेश्चन मार्क। कि वह पक्का इतने नहीं आए होणगे, यह भी एक डाउट है। सो मस्ट दे नॉट हैव कम हेयर, कि वह इतने पक्का नहीं आए होणगे। सो यह है जी यूजिज ऑफ मस्ट हैव का प्रयोग, जो कि एक अपने आप च बहुत सॉलिड मिडॉल्स मने जाते हैं। मोस्टली इन्वेस्टिगेशन या न्यूज़पेपर की खबर होंगी है, या इस कम आता, या एक अपने आम छोटी छोटिया गलों के डाउट्स से कम आता है। उम्मीद है थोड़ा जरूर पसंद आएगा, और थोड़ा बहुत धन्यवाद जिमें कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, मैं भी कर रहा, तुम भी अपने वालों सबसक्राइबर बना रहे हो, इदा ही लगे रहो ताकि अपने जल्दी तो जल्दी 1000 सबसक्राइबर बनन, तो आप लाइव शूट करिए और लाइव ही थोड़ा पढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।